नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की रात क्या रशिया की पर फाइनल अटैक कर देगा, क्या रशिया की जीत हो जाएगी, क्या यूक्रेन हारने वाला है? मैं तो प्रिडिक्शन ये करके आपके सामने पहले भी बताया हूं, झुकना तो पड़ेगा रूस को। तो आज की रात जो ये मीडिया में हल्ला चल रहा है कि कुछ बड़ी तबाही होने वाली है, तो उस पर एक प्रिडिक्शन यहां पर देने वाला हूं। देखिए, युद्ध 6 दिनों से लगातार चल रहा है और मेरा भी डेडलाइन क्या है आप लोगों को पता होगा, 5 मार्च तक का मेरा डेडलाइन है। अगर 5 मार्च बीत गया तो फिर आप युद्ध को नहीं रोक पाइएगा और ये युद्ध विनाशकाल वाला युद्ध होगा और बहुत तबाही मच जाएगी। एक तरफ जहां पर यूरोप में जो यूक्रेन ने अपनी अर्जी लगाई थी उसमें उनको एक्सेप्टेंस मिल गया है यूरोप कंट्री में शामिल होने के लिए, लेकिन बात तो इसी चीज के लिए रशिया लड़ाई कर रहा था, उसको डर था कि नाटो में जाने के बाद कुछ यूक्रेन मजबूत हो जाएंगे, नाटो कंट्रीज मजबूत हो जाएंगे तो रशिया पर कुछ परेशानी आएगा, इसीलिए तो रशिया ने हमला किया। और रशिया का प्लान भी क्या था कि तख्ता पलट कर दें, लेकिन यहाँ पर रशिया का जो सपना था वो चूर हो गया। देखिए, मैं ये तो कह सकता हूँ कि रशिया जिस तरीके से सोचा था उससे अलग परिणाम अभी आपको दिखाई दे रहा है। मैंने क्यों बोला था कि रशिया को झुकना पड़ेगा, झुकने का मतलब है जीत तो आप नहीं पा रहे हैं ना, जीत तो आप पाए नहीं और यूक्रेन जो है लगातार आक्रामक होता जा रहा है। अब बार बार मैं अपने एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में बता रहा हूं कि शनि मंगल की युति बनी हुई है, जब भी 6 ग्रहों में या 7 ग्रहों की युति में शनि मंगल का रोल एक साथ हो जाता है और इसमें शनि अपने घर में है, शनि के घर में मंगल उच्च के होते हैं, उच्च का मंगल शनि के साथ युति कर रहा है, लड़ाई भी उच्च का ही चल रहा है और लगातार जिस तरीके से आप टेलीविजन चैनल्स पे देख रहे होंगे लगातार साइरन पे साइरन बज रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश के भी एक छात्र की मौत हो गई इस घटना में, जो कि बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसको लेकर जैसे ही मैं ये कामना करता हूँ जल्दी ही हमारे देश के जितने बच्चे हैं सकुशल वापस आ जाएं, लेकिन ये आज की रात क्या एक खराब रात बीतने वाली है? क्या आज रशिया जंग को जीत लेगा? तो मैं अभी भी बता रहा हूँ, रशिया कुछ भी अभी नहीं कर पाएगा। जितना इसने करना था हर तरीके से, आप कहिए, रशिया ने अपना पूरा दम तो लगा दिया है, परमाणु बम को छोड़ के रशिया ने मैक्सिमम दम लगा दिया है, लेकिन यूक्रेन छोटी कंट्री होने के बाद भी देखिए ये यूक्रेन ने अपना पूरा साहस दिया और जिस तरीके से वहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपना हौसला रखा, इस कारण से वहाँ पे तख्ता पलट नहीं कर पाए। और यही चीज तो मैं भी बोल रहा था कि रूस को झुकना पड़ेगा, रूस जीतेगा कब? जब वहां पे तख्ता पलट होगा, और तख्ता पलट होने वाला नहीं है, तो युद्ध तो लंबा चलेगा। अब आगे क्या होगा, पहला वार्ता तो विफल हो चुका और दूसरा वार्ता भी विफल हो जाएगा, बात अभी बनने वाली होगी जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वहां पर जाएंगे, उसके बाद ही इसमें कुछ संभावना बनेगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है इस समय जो यूक्रेन को भी समझा सकता है, रशिया को भी समझा सकता है और इनकी मध्यस्थता के बिना इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन भारत भी तब तक इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक कि चरम वाली चीजें ना हो जाए। और जिस तरीके से वहां पर घटनाएं चल रही हैं, ये घटना निश्चित रूप से बहुत अभी लंबी चल सकती है। एक बार आप देखिए, पुनः क्रूड ऑयल के दाम $102 के आसपास पहुंच गए, $130 मैंने बोला हुआ है क्रूड ऑयल का दाम, लेकिन डिस्क्लेमर है, ट्रेडिंग मत कीजिएगा, केवल देखते रहिए। गोल्ड एक बार फिर 52,000 के ऊपर पहुंच रहा है और आप देखिए 55,000 गोल्ड पहुंचते ही उसके बाद तो ये अगर युद्ध हो गया तो फिर 55 से 65-75 कहाँ रुकेगा, इसकी गणना मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन एक चीज तो कन्फर्म है कि अभी जो समय चल रहा है ये गोचर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की रात थोड़ी सी खतरनाक जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी युद्ध 5 मार्च तक ये रुक जाए ऐसा मैं मना रहा हूं और ऐसा सभी लोग चाहते होंगे, लेकिन अगर 5 मार्च बीत गया तो फिर इस युद्ध को कोई भी नहीं रोक पाएगा।
अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।